नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। 1 जून को अब आखिरी चरण का चुनाव होना है और झारखंड की संताल की 3 सीटें हैं जिस पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपना प्रत्याशी चुनेंगे। ये सीटें हैं गोड्डा, दुमका और राजमहल। इन सीटों पर किस तरह चुनाव प्रचार हुआ, क्या कहते हैं उन सीटों के समीकरण, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगियों से जो वहाँ की नब्ज टटोल कर लौटे हैं और लगातार फील्ड में उन्होंने वक्त बिताया है। इस भीषण गर्मी में वहाँ पसीना बहाया है प्रत्याशियों के साथ। तो एक एक कर इन तीनों सीटों पर हम चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं गोड्डा की सीट से। गोड्डा सीट पर उदय और मदन दोनों ही वहां पर लगातार नजर बनाए हुए थे, तमाम प्रचार को उन्होंने देखा है काफी करीब से। उदय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गोड्डा में किस तरह का प्रचार दिखा, कितना दम लगाते हुए दिखे प्रत्याशी? देखिए, गोड्डा में बहुत दिलचस्प चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है और कांटे का मुकाबला वाली स्थिति भी है। और ऐसे में अभिषेक आनंद झा भी चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं, तो त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की कोशिश है, लेकिन हालांकि वो इसमें बहुत कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्रदीप यादव, उनके पीछे अब JMM, कांग्रेस, RJD सभी की संयुक्त ताकत लगी हुई है। वहीं निशिकांत दुबे जो लगातार 3 बार से अजेय बने हुए हैं, उनके बीच मुकाबला है और काफी जबरदस्त समीकरण देखने को मिल रहा है। करणों को देखा जाए तो पिछली बार लगभग 2.25 लाख के वोटों का अंतर था, लेकिन वहीं अगर 2014 के आंकड़ों को देखा जाए तो फुरकान अंसारी, प्रदीप यादव के जो वोट थे वो दोनों मिला देने से काफी लगभग 5-5.5 लाख हो जाते हैं और 3,80,000 वोट लाकर निशिकांत दुबे जीते थे। तो ऐसे में वहां के गोड्डा के समीकरण बहुत दिलचस्प हो गए हैं और वहां परिणाम क्या होगा कोई नहीं कह सकता। वहां बड़े से बड़ा सियासी पंडित भी अभी आकलन कर पाने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल कांटे की मुकाबले वाली स्थिति है। और चुनाव प्रचार, हम एक चीज वहां देख पा रहे थे कि भीषण गर्मी के बावजूद लोगों में उत्साह दिख रहा था जब प्रत्याशी रोड शो कर रहे थे, या फिर निरहुआ आम्रपाली दुबे या फिर प्रदीप यादव की तरफ से जो भी आ रहे थे उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए लोग जुट रहे थे। चुनाव को लेकर लोगों में एक दिलचस्पी बनी हुई थी और उसका असर गोड्डा सीट पर दिखाई दे रहा है। अब गोड्डा में महज कुछ घंटों के बाद चुनाव होना है, तो देखिये गर्मी भीषण है, वोटिंग परसेंटेज क्या होता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, लोग कितना अपने अपने घरों से निकलते हैं, इन तमाम चीजों पर निर्भर कर रहा है कि गोड्डा में नतीजे क्या आएंगे और मुकाबला कितना कांटे का होता है। मदन भी वहां रहे, संताल की सीटों पर लगातार रिपोर्टिंग की। मदन, आपने गोड्डा में क्या दिखा, आपकी नजर ने क्या कुछ देखा वहां, कितना दिलचस्प मुकाबला है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए 3 उम्मीदवार जो हैं चर्चा में हैं, वैसे तो कई उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सीधे तौर पर मुकाबला जो है वो BJP के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव के बीच में है। लेकिन इसके बीच जो पंडा समाज से अभिषेक झा हैं वो चुनावी मैदान में आए और सीधे तौर पर एक तरह से कहे तो निशिकांत दुबे पर वो हमलावर हैं, तो ऐसे में सीधे मीडिया में भी सुर्खियों में वो बने रहे और जो चुनाव प्रचार है वो काफ़ी तेज हो चुका, अब एक तरह से तो अब तो खत्म भी हो चुका है, अब बारी है लोगों के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। लेकिन निशाने पर जो लोग रहे वो सिर्फ वहाँ के विषय नहीं बल्कि वहाँ पर उपलब्धता को लेकर के भी लोगों में जो है एक तरह से ये चर्चा के विषय रहे। तो ऐसे में अब ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई गई, कई सुपरस्टार फिल्म, भोजपुरी फिल्म स्टार के कलाकार से लेकर के जो बड़े नेता हैं उन्होंने रोड शो तक किया, जनसंपर्क अभियान चलाए गए, चुनावी प्रचार हुए, एक तरह से प्रधानमंत्री का भी संथाल में आगमन होता है, वो भी चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। तो दोनों तरफ से एक तरह से कहें तो संथाल में आखिरी चुनाव के दौरान जो है पूरी ताकत लगाई गई है, आखिरी चरण का जो चुनाव होना है, तो ऐसे में अब सबकी निगाहें संताल पर है कि आखिर क्या होता है। लेकिन कई मुद्दे हैं, विकास हैं, तो एक तरह से कहें विकास के साथ साथ वहां पर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, उन तमाम चीज़ों को दोनों तरफ से कोशिश की गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ ये हुआ कि प्रदीप यादव पहले भी चुनाव लड़ चुके थे निशिकांत दुबे के खिलाफ, इस बार अपनी पूरी ताकत और एक स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने भी चुनावी मैदान में अपने चुनावी प्रचार से लेकर के अपने नेताओं का वहाँ उस क्षेत्र में आगमन को लेकर के तमाम जो बूथ स्तर तक की तैयारी है वो स्ट्रेटजी के साथ किया है। तो एक तरह से कहें कि मुकाबला जो है काफी दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है। तो इस बार प्रत्याशियों ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया है, लेकिन गोड्डा सीट के समीकरण क्या कहते हैं और पिछले चुनाव के नतीजे और इस चुनाव के नतीजे कैसे अलग हो सकते हैं? रंजन जी, क्या आकलन कर रहे हैं? देखिए, गोड्डा का चुनाव जैसा कि मदन और उदय ने बताया, वो देख कर आए हैं कि बहुत ही दिलचस्प हो गया है, कांटे का मुकाबला है और ऐसा लग भी रहा है। और मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच जो एक पुरानी राइवलरी गोड्डा में चली आ रही है उसी का ये एक्सटेंशन है, और
देखते हैं कि परिणाम क्या आता है। 20,28,154 वोटर्स जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 10,50,328 पुरुष हैं और 9,77,809 जो है महिला मतदाता हैं। 17 थर्ड जेंडर से हैं और कुल 19 प्रत्याशी जो है वो मैदान में हैं, जिन्होंने कि अपने भाषणों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। आगे क्या रोडमैप होगा वो बताने का प्रयास हर प्रत्याशी की तरफ से हुआ है। और अगर आप जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम 20 से 21%, यादव 7%, SC 11%, ST 13%, ब्राह्मण और वैश्य बड़ी संख्या है, 2.5-2.5 लाख के आसपास, और भूमिहार राजपूत कास्ट मिलाकर 1 लाख, महतो और सिंह जो हैं वो 4-4% के आसपास यहाँ पर हैं। तो अब ये एक जातीय समीकरण है, अब विकास पर चुनाव हो रहा है, विकास के मुद्दे पर, लेकिन इन सब के बीच आप झारखंड और बिहार में जब चुनाव की बात करती हैं तो जातीय समीकरण को अलग नहीं रख सकती, तो उन्हें जोड़ना ही पड़ता है, इसलिए ये बताने की कोशिश की है। तो एक दिलचस्प मुकाबले की तैयारी है, सभी अपने समीकरण को सही करने का प्रयास कर रहे हैं और अब तो कुछ घंटों की बात है, तो इसलिए जो है पूरा जोर अब लगाया जा रहा होगा। बूथ मैनेजमेंट की जो बातचीत होती है अब वो होगा कि कैसे बूथ मैनेज होगा, कैसे जो वोटर्स हैं उन्हें बूथ तक लेकर जाया जाए, जो कार्यकर्ता होते हैं वे अपने दल के जो वोटर्स होते हैं जो उन्हें लगता है तो वो कोशिश करते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बूथ तक लेकर जाया जाए, तो अब इसी की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर गोड्डा में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। और आज की जो रात है वो प्रत्याशियों के लिए बहुत लंबी रात होगी और बेचैनी वाली रात होगी कि कल मतदाता किसके किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। अब संताल की दूसरी सीट पर बात करते हैं और वो सीट है राजमहल की सीट। राजमहल में मुकाबला काफी दिलचस्प इस बार इसलिए बनता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ से जो सिटिंग सांसद है विजय हांसदा JMM के, इस बार भी वो चुनावी मैदान में है। उनके अपोजिट ताला मरांडी को BJP ने मौका दिया है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला बनाते हुए लोबिन हेम्ब्रम नजर आ रहे हैं। उदय से जानेंगे, उदय क्या वाकई लोबिन हेम्ब्रम यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट बना रहे हैं? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम मौजूदगी दर्ज जरूर करा रहे हैं, बोरियो उनका विधानसभा है और बोरियो विधानसभा से अगर वो अच्छा खासा वोट ले आते हैं तो विजय हांसदा के लिए मुश्किल हो सकती है। वहाँ भी कांटे की मुकाबले वाली स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले बार के समीकरणों को देखा जाए तो हेमलाल मुर्मू जो BJP के टिकट से चुनाव मैदान में थे, JMM छोड़कर BJP आए थे, वो 90,000 वोटों से लूज कर गए थे, यानी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। और विजय हांसदा से इस बार ये कहा जा रहा था कि लोग थोड़े नाराज़ हैं, तो देखिए अब चुनाव है, ये दोनों ही पक्ष कहा जा सकता है कि दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। JMM ने, कल्पना सोरेन ने कमान संभाली हुई थी विजय हांसदा के लिए, वहीं BJP की तरफ से बाबूलाल मरांडी कमान संभाल रहे थे, तो एक तरह से पर्दे के पीछे बाबूलाल मरांडी एक तरफ मोर्चा संभाले हुए थे, दूसरी तरफ कल्पना सोरेन थी। और ऐसे में अगर लोबिन हेम्ब्रम कुछ भी थोड़ा बहुत परसेंटेज भी वोट काट देते हैं, क्योंकि वो जल जंगल जमीन का नारा लेकर लड़ रहे हैं और वहाँ जो अवैध खनन, ये तमाम मुद्दों को लोबिन हेम्ब्रम लगातार हवा दे रहे थे, तो ऐसे में राजमहल में भी कांटे की मुकाबले वाली स्थिति है और वाकई में वहाँ के समीकरण भी दिलचस्प हैं। और देखिए, इससे पहले जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ विजय हांसदा की जीत हम लोग तय मान कर चल रहे थे 2014-2019 में, लेकिन इस बार कांटे की मुकाबले वाली स्थिति है और वहाँ को लेकर भी कोई ये नहीं कह सकता कि परिणाम क्या होगा। चलिए मदन, आप फील्ड रिपोर्टिंग करते रहे हैं वहां से, और संताल में क्या मिजाज दिखा लोगों को, मुद्दे क्या लोग सोचकर बूथों तक पहुंचेंगे और क्या राजमहल की सीट पर मुद्दे हावी होंगे? देखिए, संताल में सबसे ज़्यादा विकास की बात को लेकर के चर्चा होती है। संताल अब भी पिछड़ा है, ये लोग वहाँ के मानते हैं। जो राज्य के और लोकसभा क्षेत्र या और भी जिले की बात करें तो ऐसे में वहाँ के लोगों से जब बात करेंगे तो वो अपने आप को ये कहते हैं कि विकास से हमें पीछे रखा गया, इसके लिए जिम्मेदार जो है वहाँ के जनप्रतिनिधियों को ही माना जाता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ विकास है। दूसरी तरफ से दोनों जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है उनमें ये डेमोग्राफी को लेकर के एक बड़ा बहस है, लोगों के बीच भी इस विषय को लेकर के बहस है, तो अब इसको देखते हुए जनता का रुझान किधर होगा ये कहना मुश्किल है। दूसरी, तीसरा जो समीकरण वहाँ बना वो लोबिन हेम्ब्रम के चुनावी मैदान में आने के बाद, जो JMM के कुछ समर्थक हैं
वो भी क्योंकि वो विधायक हैं जेएमएम से, तो उनका जो अपना विधानसभा क्षेत्र है तो वहाँ जो उनकी पकड़ है, और ख़ास करके लंबे समय से अगर आप 1-1.5 वर्ष देखें तो 1-1.5 वर्ष से जो है वो रोजगार को लेकर के, नियोजन को लेकर के, जल जंगल जमीन को लेकर के राज्य स्तर पर वो घूमे हैं, तो उन्होंने जो अपनी एक पहचान बनाई है कि हम राज्य के विकास के लिए, राज्य के रोजगार के लिए, राज्य के युवाओं के लिए जो हम संघर्ष करना चाहते हैं, तो उस आधार पर अब उनको जो है लोगों का कितना समर्थन मिल पाता है, क्या वो समर्थन जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या फिर जेएमएम को नुकसान पहुंचाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दिलचस्प मुकाबला साहेबगंज यानी कि राजमहल में भी है। तो देखिए, राजमहल में भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, और जो डेमोग्राफी की बात की जाती है वो यहाँ पर कितना असर करती हुई नज़र आ रही है। जब लोबिन हेमरम खड़े हैं तो जो आमने सामने का मुकाबला था वो अब जो वोटर्स हैं वो किस तरह तीन हिस्सों में बढ़ते हुए नजर आएंगे, या वाकई मुकाबला आमने सामने का तब्दील होगा, समीकरण क्या कहते हैं रंजन जी? देखिए, राजमहल में अब तक ऐसा लगता था कि ये वन साइडेड मुकाबला होगा, अब ये मतदाता तय करेंगे कि ये वन साइडेड होगा या यहाँ पर भी फाइट देखने को मिलेगी, और फाइट जो होगी वो कितने कोण में होगी इस पर भी मतदाता ही अब डिसाइड करेंगे। अब ये आमने सामने की लड़ाई होगी, त्रिकोणीय होगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुल 14 प्रत्याशी जो हैं यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सभी ने अपना पूरा जोर लगाया है, और बीजेपी और जेएमएम की तरफ से जो है वो ज़्यादा जोर लगाया गया है क्योंकि इनके पास ज़्यादा स्टार प्रचारक थे। इस मामले में लोबिन हेमब्रम को खुद अपना प्रचार करना पड़ा है, अब कितना कन्विंस कर पाए हैं लोगों को ये देखना दिलचस्प होगा। जो 17 लाख मतदाता हैं यहाँ पर, उसमें 8.5 लाख जो हैं उससे ज़्यादा पुरुष मतदाता हैं और 8,53,000 जो है महिला मतदाता हैं। तो राजमहल के बारे में ये खासियत है कि यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, भले ही वो थोड़ा कम है, 2,500 ही है, लेकिन वो ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर आप जातीय समीकरण देखें तो जैसा आपने डेमोग्राफी की बात की, यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं और जो आदिवासी वोटर्स हैं अगर आप इन्हें ही जोड़ दें तो ये 65 से 70% के आसपास हो जाते हैं, यही निर्णायक वोटर होंगे। जी हाँ, नेचुरली ये दोनों जिस पाले में एक साथ चले गए तो उसके लिए तो कोई बात होगी ही नहीं, लेकिन अगर आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर एक दिलचस्प मुकाबला, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी जितने ट्राइबल लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी जो भी हैं यहाँ पर, वो सभी वहाँ पर गए हैं और सभी ने चुनाव प्रचार किया है और उनकी कोशिश रही है कि वो उन्हें कन्विंस कर सकें। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन की सभा हुई वहाँ पर, इसके अलावा आपने देखा होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुँचे वहाँ पर विजय हंसदा के लिए, इसके अलावा बन्ना गुप्ता गए, तो सारे लोग जो है जोर जो है जेएमएम की तरफ से भी लगाया गया है। जेएमएम की कोशिश है कि ये उसकी सिटिंग सीट है तो उसी के पास रहे, बीजेपी की कोशिश है कि जो वो पूर्व में 2 बार कर चुका है वो तीसरी बार करे, तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है। ताला मरांडी यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लोबिन हेमब्रम निर्दलीय हैं और विजय हांसदा जो है वो अपना पूरा दम लगा रहे हैं, तो ये हम मतदाताओं पर छोड़ते हैं, कल मतदान का दिन है तो वो अपने मन से वो वोट करेंगे और उसके बाद ही तस्वीर जो है, कल जब एक बार मतदान समाप्त होता है उसके बाद कुछ तस्वीर क्लियर होगी कि किस तरह की वोटिंग होती है। चलिए, तो राजमहल और गोड्डा सीट की बात हो गई और संताल की जो सबसे अहम सीट है दुमका सीट, उस पर भी चर्चा करते हैं कि यहाँ पर मुकाबला कितना दिलचस्प है और यहाँ पर कौन से मुद्दे हावी रहे चुनाव प्रचार के दौरान। दुमका में सीता सोरेन और नलिन सोरेन के बीच में आमने सामने की टक्कर है, आमने सामने का मुकाबला नजर आ रहा है। उदय, लगातार आप लोग संताल में दौरा किए हैं, फील्ड में वहाँ पर मतदाताओं का मिजाज भी आप लोगों ने जाना है, दुमका में वाकई आमने सामने का मुकाबला है, कितना दिलचस्प, कितना नेक टू नेक फाइट ये नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए दुमका में कोई निर्दलीय, कोई तीसरा कोण भी नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे आमने सामने का मुकाबला है। और सीता सोरेन जब सोरेन परिवार से बगावत करके बीजेपी का दामन थाम कर चुनाव मैदान में है, और दूसरी तरफ बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कमान संभाल रखी है। देखिए, कल्पना सोरेन लगातार वहाँ, जो नलिन सोरेन है 7 बार से विधायक हैं, वो दुमका लोकसभा से लड़ रहे हैं और एक तरह से वो जेएमएम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके लिए कल्पना सोरेन ने प्रचार के मैदान पर पूरी ताकत झोंकी हुई थी। और जो
ग्राउंड पे जो मेहनत होती है बूथ मैनेजमेंट का जिम्मा बसंत सोरेन ने संभाला हुआ है, तो ऐसे में सीता सोरेन के लिए काफी टफ हो गया है चुनौती देना। लेकिन कहा जा सकता है कि बीजेपी भी वहां कमजोर नहीं है। देखिए, एक तरफ सीता सोरेन जामा विधानसभा से 3 बार विधायक है, तो वहां उनका एक अपना आधार वर्ग है, अपने वोटर्स हैं, और इसके साथ साथ एक बीजेपी का बड़ा आधार वर्ग है। और खासकर दुमका के समीकरणों की बात की जाए तो माना यह जाता है कि शिकारीपाड़ा और जामताड़ा यहां पे जेएमएम लीड लेती है, लेकिन जो नाला है, सारठ है और दुमका का जो शहरी इलाका है, यहां पे बीजेपी लीड लेती है। तो ऐसे में ये समीकरण बड़े वहां पे स्पष्ट रहते हैं, और अगर यही समीकरण कायम रहता है तो फिर एक जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दो दो विधानसभा में दोनों को लीड मिलती है और दुमका से ये तय होता है। आधा आधा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो वोट बैंक है वो। ऐसे में चुनाव प्रचार में किसने किस तरह की ताकत झोंकी और मतदाताओं में कितना असर नजर आया? देखिए, पूरी ताकत दोनों तरफ से लगाई गई है, और उन्होंने कहा कि दोनों तरफ जो कमान है वो अलग अलग लोगों ने संभाला। एक तरफ अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन ने चुनाव प्रचार का कमान संभाला, दूसरी तरफ सीता सोरेन और बाबूलाल मरांडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाला। तो सीधे लड़ाई जो है वहाँ पर एक परिवार की है। सीधे तौर पर अगर आप देखें, जरूर नरेंद्र सोरेन जो है उम्मीदवार हैं, लेकिन सोरेन परिवार में ही एक तरह से कहें तो ये लड़ाई जो है आमने सामने की है। एक तरफ कल्पना सोरेन है तो दूसरी तरफ सीता सोरेन है। अब देखना यह है कि दोनों उम्मीदवार भी, पहले सीता सोरेन भी जेएमएम से ही विधायक थी और अभी नलिन सोरेन जो उम्मीदवार हैं वो भी जेएमएम से विधायक हैं, उसी लोकसभा क्षेत्र से दोनों विधायक हैं, अपने अपने प्रभुत्व जो हैं दोनों के विधानसभा क्षेत्र में हैं। साथ ही जो जेएमएम के कोर वोटर हैं वो जेएमएम के साथ है, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो बीजेपी के साथ है। अब जो ये सोरेन परिवार का बंटवारा होता है, वोटरों का जो सपोर्टरों का बंटवारा होता है, वो किधर रुख करता है, इस पर जो है वहाँ का चुनाव परिणाम जो है निर्भर करेगा। लेकिन एक और मैसेज जो थी बीच में कि सिंपैथी वोट एक क्या है या नहीं है, हेमंत सोरेन को जो जेल भेजा गया है इसका क्या असर हो सकता है, तो तमाम तो उधर सीता सोरेन भी ले रही है कि उनके साथ परिवार और पार्टी दोनों में अन्याय। बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये लड़ाई जो है सोरेन परिवार की है और इसका फायदा किसको मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। कांटे के मुकाबले जो है इसीलिए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, तीनों सीटों पर सभी सहयोगी कहना है कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन दुमका सीट का समीकरण क्या कहता है वो समझेंगे रंजन जी से। क्या समीकरण यहाँ पर है और क्या काम कर सकता है? देखिए, दुमका में जैसा कि मदन जी और उदय जी ने बताया कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, ऐसा लग भी रहा है। और वैसे 19 प्रत्याशी यहां पर मैदान में हैं, लगभग 15,91,000 से ज़्यादा मतदाता हैं, और जिसमें पुरुष जो हैं वो 7,99,000 हैं और महिला 7,92,000 से ज़्यादा हैं, और थर्ड जेंडर के भी 6 वोटर्स जो हैं वो यहां पर हैं। यहां पर एक न्यू वोटर्स की अगर हम बात करें तो 56,460 नए वोटर हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो उनके वोट का भी बड़ा इम्पोर्टेंस होगा कि वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि प्रचारक यहाँ इतने आए हैं दोनों तरफ से और इतना कन्विंस किया है कि वो किससे ज़्यादा जो है वो कन्विंस हुए हैं, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। पिछली बार भी जब यहाँ मुकाबला हुआ था, जब सुनील सोरेन चुनाव जीते थे 2019 में, तो जो मतों का अंतर था जीत हार का वो बहुत कम था, 5% से कम था। तो मतलब ही ये है कि यहाँ पर दोनों का अपना होल्ड है और दोनों जो है एक बराबरी के मुकाबले में आमने सामने हैं, सीता सोरेन और नलिन सोरेन। अगर आप यहाँ पर जातीय समीकरण पर जाएं तो यहाँ पर क्रिश्चियंस 4% हैं, मुस्लिम जो हैं वो 17-20% हैं, शेड्यूल का 7.8% हैं, और जो शेड्यूल ट्राइब हैं वो 35-40% के आसपास हैं। इसके अलावा वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत, कुमार, यादव ये भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी अपनी अपनी तरह से वोट करते हैं, उनका ट्रेडिशन है और उसी तरह से यहाँ पर वोटिंग होती है। अब देखना है कि इस बार जिस तरह से कल्पना सोरेन ने वहाँ पर जोर लगाया है और खुद प्रधानमंत्री की सभा दुमका में हुई है, तो इन सब के बीच मतदाता जो है किनकी बातों से जो है वो खुश हुए, किनकी बातों में उन्हें ज़्यादा दम दिखा, ये चीज़ें तो जब रिजल्ट आएंगी तब पता चलेंगी कि इन सारे
प्रयासों का क्या प्रतिफल निकलता है। फिलहाल तो कल मतदाताओं का दिन है और वो वोट करेंगे और वो जितनी ज़्यादा संख्या में वोट करें लोकतंत्र के लिए उतना बेहतर है। पिछली बार भी यहाँ 73% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी, तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर वोटिंग ज़्यादा होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मतदान वाले दिन जो है और वोटिंग होगी, जमकर वोटिंग होगी और जो मतदाता हैं अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे, उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर दुमका में एक रोचक मुकाबला, कांटे का मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला। तो ये संताल की तीनों सीटें जिस पर विश्लेषण कर रहे थे हम कि मुकाबला कितना दिलचस्प है और किसने कितना जोर लगाया है, तो कांटे की टक्कर तीनों सीटों पर है, लेकिन ये कांटे की टक्कर तभी होगी जब मतदाता निकलेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जिताने के लिए वो बूथों तक पहुँचेंगे। भले ही तापमान बढ़ा हुआ है, पारा चढ़ रहा है, मौसम का मिजाज तल्ख है, लेकिन आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है, अपने कर्तव्य का इस्तेमाल करना है। गर्मी से बचने के लिए तमाम चीज़ें अपने साथ ले जाएं, पानी छाता जरूर रखें पास में, लेकिन मतदान करने निकलें अपने घरों से और रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें ताकि संताल की ये सीटें इतिहास रचें कि कितना यहाँ परसेंटेज हुआ है, कितना यहाँ वोटिंग हुई है, ये नेशनल मीडिया तक सुर्खियाँ बटोरे, ये हम कामना करते हैं, ये उम्मीद करते हैं। बहरहाल मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है और मुकाबले के दिन भर की खबरें आप न्यूज़ बायोस्कोप पर देखते रहिए किस तरह से वोटिंग हो रही है संताल की सीटों पर। सुबह से ही लगातार आपको हम नॉन स्टॉप दिखाते रहेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे राजनीतिक पार्टियों से जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए।